गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ बिलासा देवी एयरपोर्ट जो कि चकरभाटा में है यहाँ बिलासपुर में। तो चले चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और मैं हूँ बिलासपुर के अभी फेमस रिवर व्यू के पास। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर फ्लैग, यह रिवर व्यू। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस मैं निकल रहा हूँ रिवर व्यू के पास से। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरे बगल में जस्ट रिवर व्यू है गाइस। और चलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा रिवर व्यू। साइड में गाइस आप देख सकते हैं ये तीसरा का मंदिर, फेमस काली मंदिर। तो आगे से मुझे जब लेना है यह देख सकते हैं चेन्नई हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। काफ़ी सुंदर है गाइस बिलासपुर का सबसे बड़ा। वहाँ आगे निकलेंगे तो एक बोर्ड है नया पारा करके, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है एयरपोर्ट के लिए। देखते हैं ये चकरभाटा का मेन मार्केट। धीरे धीरे फर्स्ट टाइम में आना। सूरज देवता साथ होते हुए, थैंक यू सूरज देवता। गर्मी तो नहीं लग रही भाई, ठंडी का मौसम है पर। सूरज देवता बोल रहे हैं सीधे चलो, सीधे चलो, आगे बढ़ो, सीधे चलो, आगे बढ़ो, आगे चलो।
गाइस इधर से ये कुछ अलग नज़र आ रहा है, इधर खाली खाली सा। शायद मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट के आसपास और आगे से एयरपोर्ट के लिए मुझे जाना पड़ेगा राइट। अब देख सकते हैं यहाँ चकरभाटा हवाई पट्टी भी दिखता है, वहाँ से राइट जाएंगे तो चलिए आपको चलते हैं दिखाते हैं मेन चकरभाटा का हवाई पट्टी प्रवेश भी से दिखता है। ओके मैं गाइस हवाई पट्टी रोड के सामने ये सामने आप देख सकते हैं हवाई पट्टी। यह है गाइस बिलासपुर एयरपोर्ट का मेन गेट और यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो अंदर जाने की मुझे परमिशन तो नहीं है पर आपको मैं बाहर से ही दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं बाहर में दो गार्ड बैठे हुए हैं। यहाँ आसपास का आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ से मैं एंट्री किया था। ये है एयरपोर्ट जाने का मेन रास्ता और ये है एयरपोर्ट का मेन गेट। एयरपोर्ट तो अंदर है गए तो चले गार्ड लोग से कोई पूछते हैं अंदर जाने की परमिशन है कि नहीं। ये है गाइस बिलासा देवी एयरपोर्ट का सीन, आप देख सकते हैं आपको कैमरा में अगर थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा और वहाँ पर दिखेंगे आपको कुछ लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट अभी आने वाली है। अब देख सकते हैं गाइस मौसम आज काफ़ी बदली किया हुआ है, उस वजह से प्लेन देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मौसम साफ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं क्योंकि प्लेन के आने का टाइम हो चुका है और प्लेन की आवाज़ भी मुझे आने लगी है ऊपर से। आप देख सकते हैं ये प्लेन आसमान से और शायद मेरे ख्याल से गाइस यही प्लेन है जो अभी लैंड होने वाला है। और मौसम अगर साफ़ रहता तो गाइस आपको और अच्छे से मैं दिखा सकता, मौसम साफ़ नहीं है गाइस इस वजह से आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर एक लाइट ब्लिंक हो रही है, वो एक सिग्नल है कि प्लेन को कहाँ लैंड करना है। प्लेन को ऊपर से गाइस मौसम साफ़ नहीं रहता तो थोड़ा सा देखने में परेशानी होती है, उस वजह से रनवे में भी एक लाइट लगती है और यह एयरपोर्ट के ऊपर की लाइट जो कंटिन्यू रोटेट हो रही है। अब देख सकते हैं गाइस ये आ चुका है प्लेन मेरा, ये गाइस एयर इंडिया का प्लेन आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मैं लाइव देख रहा हूँ, इससे पहले मुझे कभी प्लेन को नहीं देखा। प्लेन गाइस फाइनली लैंड हो चुका है,
अभी गाइस 3:30 बज रहे हैं और फाइनली अब देख सकते हैं मेरे सामने प्लेन लैंड हो चुका है। देख सकते हैं गाइस पैसेंजर लोग अभी नीचे आ रहे हैं उनका, और जस्ट बगल में एक फ्यूल की गाड़ी भी आ चुकी है, अभी फ्लाइट को रिफ्यूलिंग किया जाएगा। और पैसेंजर लोग आ रहे हैं लोडिंग के लिए, और ये आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी राउंड मारते हुए। तो ये गाइस ट्रेन अब हो चुकी है स्टार्ट और ये जा रही है अपने रनवे की तरफ, देख सकते हैं। मौसम साफ नहीं होने की वजह से गाइस आपको थोड़ा सा धुंधला देखने को मिल रहा होगा। लगे तो प्लीज़ गाइस एक वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।